वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 12, चैप्टर नंबर 5, सप्लाई आपका चल रहा था। सप्लाई की एक वीडियो बना भी चुके हैं जिसमें हमने आपको मनी और उसके फंक्शंस और फॉर्म्स ऑफ मनी बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, और सारे देश के सभी लोगों के पास जितना पैसा है, उस पैसे को अगर हम इकट्ठा करके जोड़ लें, उसी को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो चूंकि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैसा आपका रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के पास होगा, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, बिकॉज दे आर मनी सप्लायर, ठीक है। तो मनी सप्लाई वो पैसा है जो मनी का डिमांड करने वाले लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रखा है, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। आप फिर से मैं समझा दूं, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि आरबीआई के द्वारा कुल कितना पैसा फ्लो में है। तो आरबीआई एक मनी सप्लायर है और भारत सरकार मनी सप्लायर है। इन दोनों के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, बाकी इकोनॉमी में जितना पैसा लोगों के पास पड़ा होगा उसे को हम कहेंगे मनी सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मीजर्स का मतलब कि किस तरीके से हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। तो इंडिया में आपके 4 मेथड्स हैं बेसिकली, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट एंड M4 मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू CBSE, M2, M3 और M4 मेजरमेंट को CBSE ने क्लास 12th के सिलेबस से हटा दिया है, सिर्फ M1 मेजरमेंट अब सिलेबस में है। तो M1 मेजरमेंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, उनके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? तो पहला है CDD एंड OD। सी का मतलब है कैश हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि सी का मतलब ये हुआ कि जो पैसा लोगों के पास कैश के फॉर्म में पड़ा है, उस पैसे को हम कहते हैं सी। दूसरा है डीडी। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट। यानी कि देखो, बैंक में हम दो तरह के डिपॉजिट करते हैं। एक डिपॉजिट करते हैं जिसमें पैसा हम कुछ फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर देते हैं कि हम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद पैसा बैंक से लेने आएंगे, उसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो हम बैंक में जब चाहें डिमांड करके पैसा को मांग सकते हैं, जिसको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, हम फिक्स डिपॉजिट की बात या टाइम डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे हैं। और थर्ड है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या क्या आते हैं अदर डिपॉजिट्स में? मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट आरबीआई के साथ पैसा जमा किया है, इट इज द पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट। ये पैसा किसका है? फॉरेन गवर्नमेंट का है। फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया के लिए मनी सप्लायर तो है नहीं, इसलिए उसका पैसा हम मानेंगे कि मनी सप्लाई का पार्ट है। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक का पैसा। तो फॉरेन कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो भी भारत के लिए मनी सप्लायर तो है नहीं, तो उसका भी पैसा भारत में मनी सप्लाई के रूप में काउंट होता है। नेक्स्ट, जो पैसा भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइक LIC है आपका, नाबार्ड है, CDB है, इनके पैसे जो RBI के साथ डिपॉजिट किए होंगे इन्होंने, वो पैसा भी मनी सप्लाई का पार्ट है जो कि अदर डिपॉजिट्स में आता है। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इनके पैसे भी RBI के साथ जो डिपॉजिट्स में हैं, उन पैसे को हम अदर डिपॉजिट्स में जोड़ते हैं। तो ये सारे पैसे जोड़ने के बाद हमारा बनता है अदर डिपॉजिट्स, और डिमांड डिपॉजिट उसमें ऐड करते हैं और कैश ऑफ द पीपल ऐड करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि भारत में कितने पैसे की मनी सप्लाई है, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अदर डिपॉजिट्स में हम उस पैसे को नहीं जोड़ेंगे जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स ने सेंट्रल बैंक के साथ जमा किया होगा, बिकॉज यहां पे कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक दोनों मनी सप्लायर होते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई पैसा भारत सरकार ने RBI के साथ डिपॉजिट किया होगा तो वो भी अदर डिपॉजिट्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मनी सप्लायर का पैसा है, मनी सप्लायर का पैसा मनी सप्लाई में नहीं काउंट होता है, ठीक है। आइए समझते हैं हु सप्लाइज मनी। इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है? तो इंडिया में बेसिकली मनी सप्लायर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट,
ये तीन होते हैं जो मनी सप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इज आरबीआई, क्योंकि आरबीआई वो सोल अथॉरिटी है जो कंट्री के अंदर नोट छापती है और पैसे बांटती है। तो आरबीआई ने जो सिस्टम अपनाया नोट छापने का, उसे हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करना होता है। इस 200 करोड़ के रिजर्व मेंटेन करने में उससे 115 करोड़ रुपए गोल्ड के फॉर्म में और बाकी 85 करोड़ रुपए उसको फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करना होता है। इसके बाद आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो भारत सरकार ने आरबीआई को फॉलो कराना होता है, ठीक है, जिसके तहत आरबीआई 200 करोड़ मेंटेन करती है, 115 करोड़ रुपए के गोल्ड वैल्यू और 85 करोड़ 85 करोड़ के वो फॉरेन सिक्योरिटीज फॉरेन बॉन्ड्स खरीद के रखती है। इसके बाद आरबीआई पैसा छापती है। दूसरा जो इंडिया में इंपॉर्टेंट मनी सप्लायर है वो है कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने किसी नोट पर आज तक किसी कॉमर्शियल बैंक के वो तो देखे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स में तो कॉमर्शियल बैंक तो मनी सप्लाई करता नहीं है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक्स तो मनी सप्लायर कैसे हम मनी सप्लायर बोल सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एसबीआई में पैसा डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए, ठीक है, मान लो एसबीआई हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो इस 1 लाख के डिपॉजिट पर बैंक क्या करता है, बैंक इस पर लोन देना शुरू करता है, ठीक है, लोन दिया तो उसने क्या किया, वो 1 लाख के बदले हो सकता है 2 लाख का लोन दे दे लोगों को। क्यों? क्योंकि बैंक को पैसा कैश के फॉर्म में तो देता नहीं है लोन। बैंक ने क्या कहा, बैंक में आप पैसा लोन लेने गए तो बैंक ने कहा ठीक है हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो उस टाइम बैंक को क्या हुआ, बैंक को कैश की जरूरत तो पड़ती नहीं है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने उस पैसे से क्रेडिट क्रिएट कर दिया। मेरी बात समझिएगा कि मैं 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, अब आप बैंक में गए पैसा लोन लेने, तो एक तो बैंक के पास 1 लाख रुपए था, ठीक, वो उठा के दे देता, लेकिन उसके बाद अगर मैं मांगने जाता तो आरबीआई तो मुझे बैंक कहाँ दे पाता। तो बैंक ने क्या किया, 50,000 मेरे पास मेरा मेरे लिए बचा के रखा कि मान लीजिए मैं मांगने आऊंगा मुझे 50,000 दे देगा, और 50,000 का लोन कर दिया। अब 50,000 का जब लोन किया तो जिसको लोन किया उसने कोई सामान खरीदा होगा, अब जिसको सामान उसने खरीदा वो पैसा फिर बैंक में तो आएगा घूम के, तो बैंक के पास फिर 50,000 आ गया, तो बैंक उस 50,000 का फिर से लोन कर दिया, ठीक है। ऐसे बैंक उस पैसे को कई गुना तक लोन कर देता है। तो बैंक क्या कर रहा है, 1 लाख के बदले 2 लाख का लोन कर दिया, 3 लाख का लोन कर दिया। तो बैंक में हकीकत में पैसा तो 1 ही लाख आया था, लेकिन लोन कितने का हो गया, 3 लाख का। तो इस तरीके से बैंक कॉमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है, और क्रेडिट मनी का काम करता है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लायर होते हैं, ठीक है। जो बैंक के द्वारा पैसा क्रेडिट सप्लाई किया गया इसको हम बोलते हैं बैंक मनी, ठीक। और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पैसे छापना, लेकिन सिर्फ करेंसी। भारत गवर्नमेंट इंडियन सरकार के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या होता है कि वो पैसे को करेंसी में, सॉरी, सिर्फ क्वाइंस बना सकती है इंडिया में। वो रिजर्व बैंक क्वाइंस नहीं बनाता, रिजर्व बैंक सिर्फ नोट बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन मनी सप्लायर होते हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछता है उसमें कि हु सप्लाइज मनी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, ठीक, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कॉमर्शियल बैंक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हकीकत में ये तीनों मनी सप्लाई करते हैं, आरबीआई भी करता है, सेंट्रल बैंक भी करता है, कॉमर्शियल बैंक भी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में पूछा कि हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, नंबर एक आरबीआई, नंबर दो सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर तीन कॉमर्शियल गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक, और ऑप्शन दिया आपको ए एंड बी, अब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा ये, ठीक है, क्योंकि आरबीआई और सेंट्रल बैंक तो करते ही करते हैं, कॉमर्शियल बैंक तो क्रेडिट के फॉर्म में करता है। तो कुछ पब्लिशर्स, कुछ बुक वाले क्या करते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है जो पैसा बैंकों के पास और लोगों के पास कैश के फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। यानी कि बैंक में जो पैसा क्रेडिट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है उसे हम हाई पावर्ड मनी नहीं कह सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? नंबर एक ध्यान से समझिएगा, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, पहले नंबर पर समझिए, ऐसा पैसा जो बैंक वालों ने अपने पास रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं वॉल्ट कैश। किस लिए रखा है? कि मान लीजिए कोई पैसा निकालने आ गया अचानक से, तो वो पैसा वो कैसे देंगे अपनी बैंक की जरूरत को चलाने के लिए, वो पैसा वॉल्ट कैश मेंटेन करते हैं, वो वॉलंटरली कैश बोलते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। दूसरा, हमारा डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो पैसा। और तीसरा, पैसा बैंक जो पैसा क्या करती है, एक कैश रिजर्व बनाती है, कैश रिजर्व बनाती है आरबीआई के पास, ठीक है, कैश रिजर्व विद आरबीआई। ये तीनों पैसा कैश के फॉर्म में होता है, इसी को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो ये था आपका हाई पावर्ड मनी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, डिस्कस कर दूं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि मनी ने, मनी के आने से जो सेल और परचेज ये दोनों एक्टिविटीज सेपरेट हो चुकी है। पहले क्या था, दोनों सेपरेट नहीं थे, दोनों एक में होते थे। मान लीजिए बार्टर सिस्टम में मुझे अगर पेन चाहिए तो मैं भी दुकानदार को कुछ सर्विस देता था तो दुकानदार मुझे पेन देता था। तो वहां पर बाइंग मैं भी कर रहा हूँ, सेलिंग मैं भी कर रहा हूँ, दुकानदार भी बाइंग कर रहा है सेलिंग कर रहा है। अब पैसे आने की वजह से ये दोनों एक्टिविटी सेपरेट हो चुकी हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डज मनी एक्सपेंड द मार्केट, ठीक है। मनी आने से मार्केट एक्सपेंड कैसे हुआ? तो बिल्कुल देखिए, मनी आने से दोनों एक्टिविटीज सेपरेट हो गई। अब इसके लिए म्यूचुअल नीड्स जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर पेन लेना है तो मुझे इससे मतलब नहीं कि सप्लायर की नीड क्या है, मैं गया पेन खरीदा और चला आया, ठीक है। पहले क्या था, अगर मुझे पेन लेना होता तो मुझे ये भी देखना पड़ता कि सप्लायर की नीड क्या है। तो ऐसे में सप्लाई तभी हो पाती थी जब दोनों की नीड एक साथ आती थी, लेकिन मनी ने ये समस्या खत्म कर दिया। अब हमें जब मन करता हम परचेज कर लेते हैं। तो इस टाइप से देखें तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, तो मनी के आने से मार्केट का एक्सपेंशन हुआ है। तो मनी सबसे इजी चैप्टर है, लोग इसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी पढ़ने की चीज़ें हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा, और ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से लगभग 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो बिल्कुल पढ़िएगा। इस चैप्टर से बेसिकली 1-1 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आप में आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में आपको कहानी नहीं लिखनी होती है, आप उसको लंबा करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।